बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत ज़्यादा यम्मी आलू की चाट। इसको बनाना बहुत आसान है और ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बनकर तैयार होगी। आप जब भी इसे बनाएंगे तो कोई नहीं बता पाएगा कि आप इसे घर में बनाए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ठेले वाली जैसी चाट होती है, वही टेस्ट आएगा। तो इसको बनाने के लिए 4 मीडियम साइज़ के बॉईल किए हुए आलू लेना है और उनको इस तरह क्यूब्स में कट कर लेना है। फिर यहाँ पर एक पैन को हम गरम करेंगे, उसमें 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे और तेल को अच्छे से गरम होने देंगे। और तेल जब अच्छे से गरम हो जाएगा तो इसमें हम आलूओं को डालेंगे और आलूओं को हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए पकाना है, जब तक कि इसमें गोल्डन कलर ना आने लगे। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से चलाते रहना है, नहीं तो कोई तरफ कलर डार्क हो जाएगा। तो इसके लिए ना लगातार चलाना है और आप देखेंगे जब इसमें हल्का हल्का गोल्डन कलर दिखने लगेगा, तो बस इसको गोल्डन दिखने लगा है तो ये हल्का सा क्रिस्पी भी हो जाता है, तो बस इसे इतना ही फ्राई करना है, बस ज़्यादा डार्क कलर इसका नहीं करना है। तो बस ये फ्राई हो चुकी है हमारी आलू। अब इसको हम गैस के फ्लेम को ऑफ़ करेंगे, इसको साइड में रखेंगे पैन को और फिर हम एक मसाला बनाकर तैयार करेंगे चाट के लिए। तो हमें यहाँ पर लेना है 1 टीस्पून नमक है, काला नमक, और फिर उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून है चाट मसाला। तो चाट मसाला और सारे चीज़ अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये देखिए, कोई भी आप चाट बना रहे हो, चाहे आलू की चाट हो या फिर कोई से भी चाट बना रहे हो, तो उसमें ये मसाले को ऐड करें, बहुत ज़्यादा टेस्टी फ्लेवर आता है। अब यहाँ पर ये जो हम लिए हैं आलू को, यहाँ पर 2 से 3 चम्मच मैं यहाँ पर डालूँगी ये मसाला आलू में, और मसाले को अच्छे से चला लेना है ताकि इसके ऊपर मसाले की अच्छे से कोटिंग हो जाए। और ये देखिए, इस तरह से इसे मिक्स कर लेना है। अगर आपको मसाले कम लग रहे हैं तो आप पूरे मसाले भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है, तो बस अब हम चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आलूओं को हम निकालेंगे, जिस प्लेट में हमने चाट को सर्व करना है उसमें ही इसको असेंबल करें। तो यहाँ पर मैं आलू लूँगी, पहले सबसे पहले आलू डालेंगे। और इसके ऊपर जो भी इमली की चटनी और ग्रीन चटनी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, आलू डालने के बाद इसके ऊपर मैं डालूँगी हरी चटनी, ये मैंने खुद बनाई है, ये ग्रीन चटनी चाट की स्पेशल चटनी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ये चटनी। उसी के साथ हम यहाँ पर इमली की चटनी भी ऐड करेंगे, तो जैसा आपको तीखा या मीठा पसंद हो, और खट्टा, इमली की खट्टी मीठी चटनी है, तो आपको जैसा तीखा मीठा खट्टा पसंद हो उस हिसाब से चटनी ऐड करें। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ग्रीन चटनी ना ऐड करें, या फिर अगर बहुत तीखा खाना चाहते हैं तो ग्रीन चटनी और ज़्यादा ऐड करें। तो यहाँ पर देखिए, इमली की चटनी ऐड करने के बाद दही है, दही में थोड़ा सा शक्कर डाल के इसको फेंट लेना है और फिर इसके ऊपर से दही ऐड करेंगे, ये देखिए इस तरह से। और बस दही डालने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा हम चॉप किया हुआ टमाटर, प्याज और हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे, तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ज़्यादा यम्मी चाट बनकर तैयार हो जाती है और बहुत जल्दी से बन जाती है, इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो ज़रूर से ट्राई करिएगा इस रेसिपी को, उम्मीद है कि आपको चाट बनाने की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ, जब तक कि अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार पालक चाट। ये बहुत ही टेस्टी होती है, तो इसके साथ मैं आपको इमली की चटनी, ग्रीन चटनी और ये बूंदी सारी चीज़ बनाना बताऊंगी। ये बहुत ही क्रिस्पी और सुपर टेस्टी पालक चाट बनकर तैयार होती है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 100 ग्राम लेना है इमली, और इमली को बस 1 घंटा पहले सोक करके रखना है। जब ये बहुत अच्छे से देखिए सोख हो गई है, तो फिर इसको हम ब्लेंडिंग जार में डालेंगे और बस थोड़ा सा पानी डाल के इसको बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बनाना है। और जब पेस्ट बन जाए तो इसको छान के डालना है इसमें। तो मैं यहाँ पर पहले डाल दी थी, लेकिन बाद में इसको छानी थी, इसको छानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसमें
इमली का जो बारीक रेशा होता है उससे इमली हमारी स्मूथ सी नहीं बनती है, तो इसके लिए इसको छानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर इसको वॉश करके डाल देंगे और जितना जितनी थिकनेस रखना है आपको इमली की, इसी साइड पे आप इसी टाइम पे आप पानी डाल दें जितना इसमें पानी डालना है। बाद में पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि हम इसको पका कर रखते हैं तो फ्रीज में ये कम से कम एक महीने के लिए स्टोर हो जाती है। तो देखिए मैं इसको छान ली हूँ, तो ये देख सकते हैं आप एकदम स्मूथ सा ये जो है हमारा तैयार है। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून है अदरक का पाउडर, ये बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट है, और गुड़ भी इसमें बहुत ज़रूर जाता है तो गुड़ भी डालना है हमने इसमें। और 1/2 टीस्पून नमक डालना है, 1/2 टीस्पून सफ़ेद नमक और 1/2 टीस्पून काला नमक, 2 टेबल स्पून शक्कर डालना है और 1 टीस्पून डालना है कुटी हुई लाल मिर्च। तो अब गैस के फ्लेम को ऑन करेंगे और हाई फ्लेम पे इसे चमचा चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि इसमें शक्कर और गुड़ अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता, और इसमें एक उबाल आने का वेट करेंगे। तो फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है और फिर ज़रा देर में ही इसमें देखिए बॉईल आना शुरू हो जाएगा। तो जब ये अच्छे से बॉईल होने लगे तो जितनी कंसिस्टेंसी आपने रखना है बस उतना पकाना है, और ये बहुत बिल्कुल परफेक्ट से हमारी चटनी बनकर तैयार है। तो इसको हम रखेंगे साइड में ठंडा होने के लिए जब तक हम ग्रीन चटनी बना लेते हैं चाट के लिए। ग्रीन चटनी बनाने के लिए हमें धनिया और पुदीना चाहिए, तो मेरे पास यहाँ पर पुदीना नहीं था तो मैं सिर्फ धनिया डाल रही हूँ। 6 से 7 हरी मिर्च डालना है और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा डालना है, 3 लहसुन लेना है, और यहाँ पर 1/4 कप लेंगे हम रोस्ट की हुई मूँगफली, और फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून सफ़ेद नमक, 1/2 टीस्पून है काला नमक, और 1/2 लीमू का रस डालेंगे, और इसको पहले इसी तरह से ग्राइंड करेंगे बिना कुछ पानी डाले, और जब ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए तो फिर इसमें जितना ज़रूरत हो उतना पानी डालें। और ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी ग्रीन चटनी भी बनकर तैयार है। तो आप इसे कोई भी चाट बनाएं, आलू टिक्की चाट, रगड़ा पेटीज, हर चाट में इस ये दोनों चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इमली की चटनी और ग्रीन चटनी। अब हमें बैटर बनाना है पत्ते के लिए, पालक के पत्ते के लिए। तो यहाँ पर हम लेंगे 1 कप भर के है बेसन, और इसको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए 1/2 कप इसमें हम डालेंगे चावल का आटा। तो चावल का आटा ज़रूर डालें क्योंकि इससे हमारी जो चाट है वो बहुत देर तक क्रिस्पी रहती है, नरम नहीं पड़ती है। और इसमें हम 1 टीस्पून नमक डालेंगे, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा 1/2 टीस्पून के करीब अजवाइन, अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालना है। ये देखिए इस तरह से उसमें फ़्लेवर बहुत ही अच्छे से आता है। और बस इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका बैटर बनाना है। तो यहाँ पर पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करना है विस्क से, ये देखिए इस तरह से मिक्स करेंगे तो इसमें लम्स नहीं बनता है, तो ज़रूर से बस थोड़ा थोड़ा पानी डालना। अगर आप एक साथ पूरा पानी डाल देंगे तो इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टिकी सा हो जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा गांठ बन जाती है। तो इसके लिए आपने बहुत आराम से इसे मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही मिक्स करना है। और ये देखिए हमारा जब ये बैटर स्मूथ हो जाए, तो अभी ये बहुत ठीक है, तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको थोड़ा सा पतला करूँगी। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है। आप इसमें जब पालक के पत्ते डालें तो उसके ऊपर बेसन अच्छे से कोट हो जाए, बस इतना ये पतला रहना चाहिए। और इसको बेसन को बनाने के बाद इसे रेस्ट करने देंगे तकरीबन 1/2 घंटे के लिए, या 15-20 मिनट ज़रूर रेस्ट दें। और जो पालक के पत्ते हैं उनको पहले यहाँ पर ये देखिए डंठल तोड़ लेना है, खाली बस पत्ती रहने देना है, और इसको वॉश कर लेना है अच्छे से। ये देखिए इस तरह से सारी पत्ती हटा लेना है, और यहाँ पर देखिए इसको वॉश करेंगे, फिर हम इसको कपड़े से देखिए इस तरह से सुखाएंगे, और फिर इसको पंखे के नीचे रख दें, ये जब सूख जाए तो जब भी इसके हम ये देखिए पकौड़े बनाएंगे। तो आप बेसन में डाल के देखिए अगर ये पत्ते पे अच्छे से कोटिंग हो रही है जब तो ठीक है, ये बेसन हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अगर कोटिंग नहीं हो रही है अच्छे से, ये बहुत ज़्यादा पतला है या बहुत ज़्यादा ठीक है कि बहुत मोटी मोटी इस पर ये देखिए इस तरह से हो रही है कोटिंग, तो इसमें थोड़ा सा पानी मिला ले, इसको एडजस्ट कर ले आप, क्योंकि परफेक्ट होना ज़रूरी है तभी हमारी जो पालक की ये पकौड़े हैं वो क्रिस्पी बनेंगे। फिर तेल को मीडियम टू हाई फ्लेम पे गरम करेंगे और एक एक पत्ता इसमें डालते जाएंगे बेसन में डिप करके, और इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर आने देंगे, उसके बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 पत्ता मैं डालूँगी, आप अपने हिसाब से डालें। तो ये देखिए फिर हमें जब
किनारे किनारे से ये गोल्डन कलर दिखने लगे, तो फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है और बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी बन रही है। तो आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो आपको भी बहुत बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा, तो ज़रूर से ट्राई करिए इस रेसिपी को। और यहाँ पर देखिए जब दोनों तरफ अच्छा सा कलर आ जाए तो हम इसे निकाल लेंगे ऑयल में से, और जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है इसको इसी में देखिए इस तरह से हटा लेना है। तो बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए जब ये अच्छे से कोटिंग होती है तो बिल्कुल भी अंदर तेल नहीं जाता है। तो ये देखिए इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं गया हुआ है। इस तरह से सारे फ्राई करने के बाद हम इसकी बूंदी बनाएंगे। तो बूंदी बनाने के लिए कोई भी आपने ये छन्ने वाला चम्मच ले लेना है, या फिर जिसमें खोपड़े को ग्रेट करते हैं वो भी ले सकते हैं आप। तो बस इस तरह से चम्मच को पकड़े रहना है, हिलाना नहीं। अगर आप हिलाएंगे तो बूंदी का शेप है ना लंबा हो जाएगा, या फिर वो बहुत ख़राब शेप की बनेगी। अगर आप इसी तरह से पकड़े रहेंगे तो बिल्कुल गोल गोल बूंदी हमारी बनकर तैयार होगी। बस ये हटाना है, आप देख सकते हैं बहुत ही गोल गोल हमारी बूंदी बनी है। इसे बस थोड़ा सा चलाते हुए हल्का गोल्डन कलर आ गया है, तो इसे जल्दी से निकाल लेना है। निकालते निकालते इसका कलर देखिए डार्क हो गया था, तो इतना डार्क कलर नहीं करना है। ये देखिए इसे मैं जब निकाल रही थी तो ये निकालते निकालते काफ़ी टाइम हो गया, तो ये इसका कलर थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया है, तो आप अपने हिसाब से इसे रख ले। तो यहाँ पर सब कुछ रेडी है। दही में शक्कर डाल के ले लेना है। देखिए मैं ये आपको बताना भूल गई थी, तो दही बहुत मेन इंग्रेडिएंट है चाट का। तो दही में शक्कर डालना है और उसको अच्छे से फेंट लेना है, और फिर पालक को असेंबल करेंगे इस तरह से। और फिर इसमें कुछ हम स्पाइसेस ऐड करेंगे, तो जैसे कि यहाँ पर हम लिए हैं काला नमक, तो काला नमक यहाँ पर सब तरफ अच्छे से स्प्रिंकल करना है, तो जब ही टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चाट में काला नमक ज़रूर जाता है, तो कोशिश करें कि काला नमक ज़रूर ऐड करें। और यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च है, ये भी अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा ऐड करें। यहाँ पर थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर है और काली मिर्च पाउडर है, वो भी थोड़ा थोड़ा ऐड करें। ज़ीरा पाउडर से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है चाट में, तो ज़रूर से ऐड करें इसे भी। और बस ये सब ऐड करने के बाद सबसे पहले हम डालेंगे दही। तो ये देखिए दही में शक्कर डाल के इसको अच्छे से मैं फेंट के रखी हूँ, तो इसे बस इस तरह से डालना है। अगर आपको दही ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालें, कम पसंद है कम। तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से इस पर ग्रीन चटनी, इमली की चटनी और दही अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा तीखा पसंद है तो ग्रीन चटनी ज़्यादा ऐड करें। मीठा पसंद है, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ग्रीन चटनी बिल्कुल ऐड ना करें। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से इसे बराबर करें। तो यहाँ पर मैं देखिए सब कुछ ऐड करके आपको दिखा रही हूँ। ग्रीन चटनी भी पहले मिक्स कर लेना है, क्योंकि हम बहुत देर से इसे बना कर रखे हैं, तो थोड़ा चला के ही लेना है। और फिर थोड़ा सा बारीक कटी हुई प्याज डालना है, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ टमाटर डालना है। तो आप इस पे अपने हिसाब से प्याज टमाटर जो भी आपको पसंद है डालें, नहीं डालना है ना डालें, लेकिन बिना प्याज टमाटर के चाट तो अधूरी रहती है। और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, और सबसे लास्ट में हम इसमें बूंदी डालेंगे जो हम बना कर रखे थे। तो बस ये ज़बरदस्ती हमारी चाट बनकर तैयार है। बूंदी ऐड करने के बाद ये बिल्कुल भी इसको देर नहीं करना है, बस फटाफट से सर्व करना है। हम लोग तो इसको बस डायरेक्ट ही सर्व करेंगे। कितनी ज़्यादा यमी और इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी है ये, तो ज़रूर से ट्राई करिए इस रेसिपी को। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे, इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त ये चाट बनकर तैयार होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि पालक चाट बनाने की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ, जब तक कि अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम रगड़ा पेटीज बनाएंगे, और ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी है। चलो इसको बनाना देख लेते हैं। सबसे पहले हम रगड़ा बनाएंगे, उसके लिए पैन में एक टेबल स्पून तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे, फिर एक मीडियम साइज़ की प्याज हम डालेंगे, और इसे हल्का सा बस गोल्डन होने तक हमने फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा डार्क गोल्डन हमने इसे नहीं करना है, बस इतना हल्का सा गोल्डन हो जाए। इसमें हमने एक मीडियम साइज़ का टमाटर बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ उसे ऐड कर देना है। 1 टीस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, और साथ ही टमाटर, और 1/2 टीस्पून हमने नमक ऐड करना है। मैं यहाँ पर मटर बॉईल करके ली हूँ मटर, तो इसके लिए मटर में भी मैं नमक थोड़ा सा डाली हूँ। इसके लिए मैं थोड़ा नमक डाल रही हूँ, आपने अगर अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लेना है।
और ये टमाटर भी बस अच्छे से सॉफ्ट हो जाए थोड़ी देर में, 2 से 3 मिनट में। फिर हम इसमें मटर बॉईल की हुई है, इसमें मैं नमक और हल्दी डालकर इसे बॉईल करी हूँ बस, और इसमें कुछ भी नहीं ऐड करना है। और बॉईल की हुई मटर इसमें डाल के हमने मिक्स करना है बस, इसे एक अच्छा सा उबाल आने तक इसे पकाना है। देखिए इसमें उबाल आ गया है, ये हमारी मटर बनकर तैयार है रगड़ा। इसे हम साइड में रखेंगे। फिर हम टिक्की बनाने के लिए 2 से 3 मीडियम साइज़ के आलू लेंगे। आलू बॉईल करके ग्रेट कर लेना है। इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। ये सारे पाउडर मसाले ऐड करने के बाद 2 से 3 हरी मिर्च है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून भर के धनिया है बारीक कटा हुआ, इसे भी ऐड कर देना है। और 1/2 टीस्पून है अदरक लहसुन का पेस्ट। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट है इसमें चावल का आटा। 4 टेबल स्पून चावल का आटा डालना है हमने। अगर चावल का आटा नहीं है तो 2 टेबल स्पून हमने कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च का ऐड कर देना है। इससे आलू का मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है और टिक्की बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरी बनती है। अगर आप चावल का आटा नहीं ऐड करेंगे तो ये टिक्की को जब हम फ्राई करेंगे तो ये टूट जाएगी। ये देखिए सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे टिक्की का शेप देंगे। हाथ पे थोड़ा सा पानी या फिर तेल लगाएंगे तो ये अच्छे से शेप देने में आसानी रहेगी। आप जैसी छोटी बड़ी टिक्की रखना चाहते हैं वैसे रखें। और सारी टिक्की को हम बनाकर रख लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने सारी बना लेना है। सारी टिक्की बन के तैयार हो गई है। अब हमने इसे फ्राई करना है। तो हम एक पैन में ऑयल को गरम करेंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम पे ऑयल को गरम करना है। और सारी टिक्की को हमने इसमें ऐड कर देना है गरम ऑयल में। ये देखिए सारी टिक्की को ऐड करने के बाद हमने इसे फ्लेम को मीडियम टू हाई ही रखना है और इसे बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे फ्राई करना है। ये जितनी अच्छी गोल्डन ब्राउन होगी उतनी क्रिस्पी होगी हमारी टिक्की। और टिक्की क्रिस्पी रहती है तो उसका ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। ये देखिए एक तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है, दूसरी तरफ से भी हमने इसे इसी तरह से ही गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ये देखिए दोनों तरफ से हमारी टिक्की अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी की भी टिक्कियों को हमने इसी तरह से फ्राई कर लेना है। और ये टिक्की को हम ऐसे ही सर्व कर सकते हैं चटनी के साथ, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। अब हमने एक प्लेट में जिसमें हम रगड़ा पेटीज बनाएंगे उसमें सबसे पहले रगड़े को ऐड करना है। और आप जिसमें भी सर्व करना चाहें सर्व कर सकते हैं। फिर हम इसमें टिक्की को रखेंगे। और यहाँ पर मैं हरी चटनी और इमली की चटनी जो भी ली हूँ सबका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप चेक कर लीजिए। आप मेरे बताए हुए मेथड से बनाएंगे तो आपकी रगड़ा पेटीज बिल्कुल स्ट्रेट स्टाइल बनेगी। इसके लिए आप मेरे बताए हुए मेथड को ज़रूर फॉलो करें। मैं यहाँ पर दही ऐड कर रही हूँ। दही में हमने थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून के करीब शक्कर ऐड करना है। शक्कर ऐड किए बिना दही का इस्तेमाल ना करें। और फिर यहाँ पर मैं हरी चटनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने स्पाइसेस अपने हिसाब से ऐड करना है जैसा आपको स्पाइसी पसंद हो। फिर यहाँ पर मैं इमली की चटनी ऐड करूँगी। ये सब कॉम्बिनेशन मिलके बहुत ही टेस्टी और यमी सा टेस्ट आता है। सारे स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करना है। यहाँ पर मैं लूँगी धनिया पाउडर, उसे स्प्रिंकल करेंगे। साथ ही हम इसमें ज़ीरा पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला। और आप लाल मिर्च भी चाहे तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं हरी चटनी ऐड करी हूँ तो मैं लाल मिर्च नहीं ऐड करूँगी। साथ ही हम यहाँ पर ये पापड़ी ऐड करेंगे। ये पापड़ी के लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूँगी। ये बहुत ही टेस्टी पापड़ी बनी थी, बहुत ही क्रंची क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। अगर आप इसे ऐड करेंगे तो आपकी रगड़ा पेटीज बहुत ही लाजवाब बनेगी। साथ ही हमने इसमें बिल्कुल बारीक सेव या जो भी सेव अवेलेबल है या फिर आलू भुजिया आप जो भी चाहें इस पर स्प्रिंकल कर सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है।
ये देखिए ज़बरदस्त हमारी रगड़ा पेटिस बनकर तैयार है। ये बिल्कुल स्ट्रेट स्टाइल बनी है। जो भी इसे खाएगा वो नहीं बता पाएगा कि आपने इसे घर में बनाया है। ये बहुत ही टेस्टी और लाजवाब सी बनी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस सी चना चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। उसके लिए हमें बॉईल किए हुए चना चाहिए। एक कप चना है, उसको 4 से 5 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट सोक कर लेना है। और एक प्रेशर कुकर में एक मरतबा प्रेशर आने के बाद इसको सॉफ्ट होने तक पका लेना है। और इसमें हल्का सा नमक डाल के मैंने इसे बॉईल किया है। और यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं बॉईल किए हुए, इनको भी क्यूब्स में कट कर लेना है। और ये चने की चाट बहुत ही हेल्दी बनकर तैयार होगी। इसके लिए हम इसमें 1 मीडियम साइज़ की प्याज ऐड करेंगे। एक ये खीरा है, इसको भी बारीक चॉप कर लेना है। और एक टमाटर है मीडियम साइज़ का, इसको भी बारीक चॉप कर लेना है। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। ये सब डालने से हमारी चाट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनती है। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। इन सबको डालने के बाद हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब हम इसमें चटनी ऐड करेंगे। ये ग्रीन चटनी है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। चटनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा, आपको जैसा टेस्ट पसंद है, या कम डालना चाहे तो कम डालें और ज़्यादा डालना चाहे तो ज़्यादा डालें। और यहाँ पर इमली और खजूर की चटनी ऐड करूँगी मैं। इससे बहुत ही खट्टा मीठा सा फ्लेवर आएगा चाट में और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ये चाट बनकर तैयार होगा। और फिर हम इसे मिक्स करेंगे। चटनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा, आपको जैसा तीखा मीठा रखना है आप वैसा रख सकते हैं इसको। और यहाँ पर मैं ऐड करूँगी दही। दही को शक्कर डाल के इसको अच्छे से बीट कर लेना है। और दही का इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इस चाट में। और इसे भी एक मतलब हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे पापड़ी। ये होममेड पापड़ी है, इसको बताना मैं बता चुकी हूँ। ये मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी है। ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची सी पापड़ी है। और ये ज़रूर डालें चाट में, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप इसे चेक कर लीजिए। और मेरे बताए हुए मेथड को अगर आप फॉलो करके बनाएंगे तो आपकी चाट भी बिल्कुल स्ट्रेट स्टाइल बनेगी। और रमज़ान में ये बहुत ही ज़्यादा सबको पसंद आने वाली रेसिपी है। इसको भी एक मरतबा हमने अच्छे से मिक्स करना है। और ये ज़बरदस्त ही हमारी चाट बनकर तैयार हो गई है। इसे आप ऐसे ही सर्व करें या ऊपर से थोड़ी सी चटनी और शेव और फिर इसमें दही ऊपर से डाल के भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। मैं थोड़े से यहाँ पर पापड़ी स्प्रिंकल करूँगी। और ये देखिए ज़बरदस्त ही हमारी चाट बनकर तैयार हो गई है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आलू टिक्की की चाट बनाएंगे और ये एकदम स्ट्रेट स्टाइल बनकर तैयार होगी। बस आपने इसे मेरे बताए हुए मेथड को फॉलो करना है और वीडियो को स्किप नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे से देखना है। तो आपकी भी आलू टिक्की चाट बहुत ही टेस्टी बिल्कुल बाजार जैसी बनकर तैयार होगी। और इसको बनाना बहुत ही आसान है। चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। उसके लिए हमें 3 बड़े साइज़ के आलू हैं बॉईल करना है उसे, और ग्रेट कर लेना है या फिर मैश कर लेना है। साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, ये सारी चीज़ ऐड करेंगे।
दो से तीन हरी मिर्च ऐड करेंगे। हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक टेबल स्पून हरा धनिया है बारीक कटा हुआ। साथ ही हम इसमें हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट है इसमें चावल का आटा। अगर चावल का आटा ना हो तो आप कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ चार टेबल स्पून चावल का आटा ऐड करना है और सारी चीज़ को हमने अच्छे से मिक्स करना है और इसको डो जैसा बनाकर तैयार करना है। चावल का आटा ऐड करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप नहीं ऐड करेंगे तो फिर ये टिक्की फूट जाएगी। अब हम इसे टिक्कियों का शेप देंगे। आप छोटी बड़ी जैसी भी रखना चाहते हैं अपने हिसाब से टिक्की को रख सकते हैं और इसे शेप दे दें। ये देखिए, इस तरह से हम सारी टिक्की बना करके तैयार करेंगे। अब हम एक पैन में ऑयल को गरम करेंगे और इन टिक्कियों को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है, हम इसमें सारी टिक्की को ऐड कर देंगे और 5 से 7 मिनट तक हाई फ्लेम पर इसे पकने देंगे। सात मिनट बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। ये देखिए, बहुत ही अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। सारी टिक्की की साइड को चेंज करेंगे और दूसरी तरफ से भी इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, टिक्की हमारी दोनों तरफ से अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो गई है और ये बहुत ही क्रिस्पी बनी है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी की सारी टिक्कियों को इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। इसे आप डायरेक्ट भी सर्व कर सकते हैं चटनी या सॉस के साथ, लेकिन मैं आपको यहाँ पर चाट बनाना बताऊँगी। तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं चाट की। चाट बनाने के लिए हमने एक प्लेट में जितनी टिक्की लेना है 3 या 4 उसे रखे। सबसे पहले प्लेट या कटोरी जिसमें भी आप सर्व करना चाहे सर्व कर सकते हैं। फिर इस पर हम दही ऐड करेंगे। दही में हमने शक्कर डालना है और शक्कर डाल के अच्छे से इसको फेंट लेना है। मैं यहाँ पर दही थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डालूँगी। दही मुझे बहुत पसंद है, आपको जैसे पसंद हो कम या ज़्यादा आप मैनेज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हरी चटनी है इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगी। हम हरी चटनी भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा जैसे भी डालना चाहे डाल सकते हैं। फिर हम इसमें इमली की खट्टी मीठी चटनी, इमली और खजूर की चटनी हम इसमें ऐड करेंगे। और मैं इमली की चटनी का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक कर लीजिए। ये चाट बिल्कुल स्ट्रेट जैसी बनकर तैयार होगी। इसमें हम थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक, काला नमक ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम इसमें चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। ये सब डालने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट जैसी हमारी टिक्की चाट बनकर तैयार होगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। कोई भी नहीं बता पाएगा कि आप इसे घर में बनाए हो। इस पे हम थोड़ा सा आलू सेव स्प्रिंकल करेंगे, आपके पास जो भी सेव अवेलेबल हो वो ऐड कर दें। और ये पापड़ी है, ये भी होममेड पापड़ी है, इसको मैंने घर में ही बनाया है। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची है, इससे चाट का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और ये ज़बरदस्ती हमारी आलू टिक्की चाट बनकर तैयार है। आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और इसका फीडबैक भी मुझे ज़रूर देना कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।